तो वही आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोनिका ए चौधरी व्लॉग्स में। और जो मेरा ये वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे और भी वीडियोस देखने को मिल जाएं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तो इसमें क्या है, मैं अपना वो बना रही थी, लंच कह लो या ब्रंच कह लो, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बच्चे कर चुके थे और वो था ऑमलेट और ब्रेड। और यहाँ बैठा हुआ था सिम्बा और वो बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे जा रहा था। क्या प्रॉब्लम थी उसको कि उसको ना रोटी की खुशबू आ जाती है, बन रही होती है तो उसको ये होता है, भाई तुम खाना बना रहे हो खा रहे हो, पहले मुझे दे दो, दूँगी उसी को सबसे पहले, पर मैं एक बार बना लेती हूँ सारा, फिर मैं उसका दे देती हूँ उसको, फिर हम बाकी सब लोग खा लेते हैं। तो वो बाहर बैठा हुआ बोले जा रहा था। और इसमें हुआ क्या है कि बहुत सारी मेरी FM चल रहा था, उसकी आवाज़ मिक्स हो गई तो मुझे इस पर वॉइस ओवर देना ही पड़ा, क्या करते हैं, कोई बात नहीं। तो जी आपका स्वागत तो मैं कर चुकी हूँ और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत आजकल बहुत जल्दी हो जाती है, हम सभी बहुत जल्दी उठते हैं, पहले नहीं उठते थे, जो बात सही है। सिम्बा के चक्कर में मैं उठती हूँ, मेरे चक्कर में अमित उठ जाते हैं और अर्जुन को भी जाना होता है जिन बच्चे तो घर उठते ही उठते हैं, आनंद को भी जाना होता है। तो भाई मेरा आधा काम तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, बाकी का काम मेरा लंच टाइम में शुरू होगा। तो और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप भी अपने घर अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे, सब अच्छे से होंगे। और मैं ये चाहती हूँ भगवान जी जल्दी जल्दी बारिश कर दें ताकि हम जैसे लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। चलिए आगे का व्लॉग देखते हैं। आप लोग टाइम देख रहे हो अभी, और इस समय एक्चुअली ना लंच का टाइम है ना स्नैक्स का टाइम है, लेकिन मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, क्योंकि बच्चों को आज खाने में कुछ मज़ा नहीं आया। और मुझे पता है ये थोड़ी देर में कहेंगे कि मम्मी कुछ दो, कि मम्मी कुछ दो। अब उस कुछ बोलने से पहले ही मैं सोच रही हूँ कि ना कुछ बना ही दो, तो मैं कुछ के नाम पे मैक्रोनी बना रही हूँ, देसी मैक्रोनी। तो मैं ज़रा बन चुका है मसाला वसाला एंड ऑल, बस मिक्स करके इसको रेडी करके रख देती हूँ, सरप्राइज दे देती हूँ आज बच्चों को। तो जी तैयार है मेरी देसी मैक्रोनी। अब मेरा शाम का झंझट खत्म, पंगा ही खत्म कर दिया है। खाओ मजे करो, मैं गर्मी में जो मर्जी करूँ। मैंने तो अपनी मैक्रोनी ले ली है और मैं देखती हूँ सिम्बा कहाँ बैठा, अभी तो टेबल के नीचे था, वो बोन लेके बैठा हुआ था, देखते हैं कहाँ है, यहाँ तो नहीं घुसा हुआ, पहले उसे ही चेक कर लूँ भाई मैं एक बार ना। तामझाम लेके तो मैं भी इंजॉय करती हूँ अपनी मैक्रोनी, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और ये हम सिम्बा को लेके गए थे उसके डॉक्टर के पास, क्योंकि इसका आज वैक्सीनेशन था क्यूटी बेबी, तो फिर इसको थोड़ा डर लगता है अभी बाहर निकलने में, थोड़ा घबरा जाता है, तो इसको हम अपने साथ लेके गए थे। तो भाई इतना रश था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना रश था, मतलब हमें जहाँ पहुँचने में सिर्फ 10 या 12 मिनट लगने थे, हमें वहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट पौना घंटा लगा, पौना घंटा। तो भाई गाड़ी में बैठे रहे और क्या करना था, मैं दिखा देती हूँ, ये देखो रश, मतलब लिटरली जाम, इतना जाम, बहुत जाम। हाँ शाम अच्छी थी, इवनिंग अच्छी लग रही थी, लेकिन जाम बहुत था भाई, जाम ने अर्जुन का दिमाग ही ख़राब कर दिया कि जहाँ से भी जाएं वहीं पर जाम था, ये नहीं था कि एक रोड पे था दूसरी पे नहीं था, हर जगह जाम ही जाम था। पर कोई नहीं, इट्स ओके, पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे।
का हम वैक्सीनेशन करा लाए थे, साथ में सिम्बा महाराज कर लाए थे अपनी थोड़ी सी शॉपिंग कैसे के उसका पपी फूड स्टार्ट करना था हमको, वो लेके आए हम। और क्या करना था उसके लिए, ट्रीट्स लानी थी कि अगर उसको कुछ सिखाना है उसको ट्रीट्स चाहिए होंगे, तो वो ट्रीट्स ले आए थे हम। बस यही सब। और उसके लिए और क्या लाए थे, कुछ नहीं। फिर उसके बाद आके तो मैं इतना टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। फिर अर्जुन का एक फ्रेंड मिलने आया था उससे, किससे, अर्जुन से नहीं सिम्बा से मिलने आया था। वो मिलने आया, फिर मैंने डिनर बनाया, फिर खाया, फिर हम सिम्बा के साथ खेले, फिर हम सो गए। तो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।